हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चित्रा साइंस हब टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एलोस्टेरिक एंजाइम्स एंड देयर काइनेटिक्स एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो हैं वो हमारे जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं उनमें ज़्यादातर जो रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं जो उस मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करते हैं वो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम एलोस्टेरिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है एलो जिसका मीनिंग है अदर और स्टीरियो जिसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस दैट इज स्ट्रक्चर यानी कि एलोस्टेरिक एंजाइम विच हैव स्ट्रक्चर अदर देन द सिंपल एंजाइम्स एलोस्टेरिक एंजाइम्स के पास दो बाइंडिंग साइट होती हैं एक को हम कहते हैं एक्टिव साइट या कैटालाइटिक साइट और दूसरी को हम कहते हैं रेगुलेटरी साइट तो एलोस्टेरिक एंजाइम enzyme, वो एंजाइम्स होते हैं जिनके पास दो बाइंडिंग साइट होती हैं एक कैटालाइटिक साइट और एक रेगुलेटरी साइट कैटालाइटिक साइट या एक्टिव साइट पर आपका सबस्टेट बाइंड होता है और रेगुलेटरी साइट पर आपका या एलोस्टेरिक साइट कहते हैं इस पर एलोस्टेरिक इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड होता है इसे हम एलोस्टेरिक इफेक्टर मॉलिक्यूल या मोडोलेटर भी कहते हैं ये जो आपका रेगुलेटरी साइट है इस पर एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल बाइंड करके आपके एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ये एक्टिविटी को या तो बढ़ा देता है या एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देता है तो इसे हम एलास्टेरिक इफेक्टर या एलोस्टेरिक मोडोलेटर कहते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर और मोडूलेटर रेगुलेटरी साइट पर बाइंड करके कन्फर्मेशनल चेंज करता है एक्टिव साइट में और ये चेंज करके या तो एंजाइम की एक्टिविटी को घटाता है या बढ़ाता है यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर देता है एलोस्टेरिक इफेक्टर दो तरह के होते हैं एक पॉजिटिव इफेक्टर और एलोस्टेरिक एक्टिवेटर और दूसरा नेगेटिव इफेक्टर और एलोस्टेरिक इनहिबिटर पॉजिटिव इफेक्टर जो है जब एंजाइम की रेगुलेटरी साइट पर बाइंड करता है तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है और नेगेटिव इफेक्टर जब एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करता है तब एंजाइम की एक्टिविटी को घटाता है यहाँ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर बाइंड करेगा तो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा एंजाइम की और जब यह इन्हीबिटर बाइंड करेगा एलोस्टेरिक इन्हीबिटर तब ये इसकी एक्टिविटी को आपकी घटाएगा कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा और कन्फर्मेशनल चेंज इस तरह से एगा कि यहाँ सबस्टेट ईजिली बाइंड होगा इन केस ऑफ एक्टिवेटर और यहां पर कैटालाइटिक साइट में इस तरह से चेंज लाया कि सबस्टेट जो है यहां पर बाइंड नहीं कर पाता अब ये एंजाइम एक्टिविटी में चेंज किस तरह से लाता है तो या तो एंजाइम की सबस्टेट के लिए एफिनिटी चेंज कर देता है या मैक्सिमम जो वेलोसिटी है उसे चेंज करता है तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर एंजाइम पे बाइंड करके या तो सबस्टेट के लिए सबस्टेट के लिए उसकी एफिनिटी घटा देता है और एज ए रिजल्ट मैक्सिमम वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है अब हम देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम सिंपल एंजाइम्स में क्या है आपका सिंपल एंजाइम्स जिन्हें माइकलिस मैंटन एंजाइम भी कहते हैं ये माइकलिस मैंटन इक्वेशन फॉलो करते हैं जिसमें हम सबस्टेट कंसंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन वेलोसिटी के बीच जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक हाइपरबोलिक कर्व मिलता है इन केस ऑफ सिंपल एंजाइम जैसे जैसे हम एंजाइम कंसनट्रे सॉरी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ती जाती है अप टू ए लिमिट जिसे हम वी मैक्स कहते हैं यहाँ पर एंजाइम फुली सेचूरेट हो जाता है सबस्ट्रेट से तो फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन कोई रिएक्शन वेलोसिटी में चेंज नहीं होता और हमें एक हाइपरबोलिक कर्व मिलता है इन केस ऑफ सिंपल एंजाइम्स अब एलोस्टेरिक एंजाइम्स के केस में क्या है एलोस्टेरिक एंजाइम्स ये माइकल मेंटन इक्वेशन फॉलो नहीं करते उनका जो ग्राफ है सबस्टेट कंसंट्रेशन विद वर्सेस रिएक्शन वेलोसिटी तो एक सिग्मॉइडल कर्व मिलता है हमें एस शेप में कर्व मिलता है इन केस ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम जबकि सिंपल एंजाइम के केस में हमें हाइपरबॉलिक कर्व मिलता है अब हमें ये सिग्मॉइडल कर्व क्यों मिलता है एलोस्टेरिक एंजाइम्स और मल्टीपल एक्टिव साइट्स होती हैं उन एक्टिव साइट्स पर जब सबस्टेट बाइंड करता है तो वो कॉपरेटिविटी से बाइन करता है कॉपरेटिविटी क्या है जब एक सबस्टेट मॉलिक्यूल एक साइट पर बाइन करता है तो वो अगली बाइंडिंग साइट को इफ़ेक्ट करता है इन केस ऑफ पॉजिटिव कॉपरेटिविटी एक सबस्टेट जब एक, एक एक्टिव साइट पे बाइंड होगा तो अगला सबस्टेट जब बाइंड करता है एक्टिव साइट पे तो उस एक्टिव साइट की उस सबस्टेट के लिए एफिनिटी बढ़ती जाती है उससे अगली साइट की और ज़्यादा होगी तो फर्दर जो मॉलिक्यूल हैं वो आपकी ज़्यादा एफिनिटी से बाइंड करते हैं आप ज़्यादा एफिनिटी से बाइंड करते हैं तो हमारा रिएक्शन रेट जो है एकदम से इनक्रीज़ होता है इसी जो है एलोस्टेरिक एंजाइम्स के अंदर सिगमोइडल कर्व मिलता है क्योंकि उनके अंदर कॉपरेटिविटी होती है इन सबस्टेट बाइंडिंग इस कॉपरेटिविटी की वजह से ही एलोस्टेरिक एंजाइम्स के केस में सिगमोडल कर्व मिलता है अब कॉपरेटिविटी दो तरह की है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिविटी का कॉपरेटिविटी क्या है एक लाइगेंड लाइगेंड क्या है एक छोटा मॉलिक्यूल है जो एंजाइम से बाइंड करता है वो सबस्टेट भी हो सकता है एलोस्टेरिक इफेक्टर भी हो सकता है कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हो सकती है तो लाइगेंड बाइंड होने से कन्फर्मेशनल चेंज इस तरह से हो कि फर्दर जब सब यूनिट लाइगेंड से बाइंड करें तो उनकी एफिनिटी जो है उसके लिए बढ़ जाए पॉजिटिविटी कोऑपरेटिविटी में क्या है कन्फर्मेशनल चेंज जो होती है एक लाइगेंड के बाइंड होने से वो जो और फर्दर लाइगेंड बाइंडिंग की जो है है वो सबसे उस लाइगेंड के लिए बढ़ जाता है एग्जाम्पल जैसे कि हेमोग्लोबिन के अंदर मल्टीपल कैटालाइटिक साइट होती है तो जब पहली साइट पर आकर ऑक्सीजन बाइंड करता है तो अगले वाले सब साइट पर जब ऑक्सीजन बाइंड करता है तो वो ज़्यादा एफिनिटी से बाइंड करता है इसे हम पॉजिटिविटी कोऑपरेटिविटी कहते हैं नेगेटिव कोऑपरेटिविटी में है कन्फर्मेशनल चेंज इस तरह से होगा कि लाइग बाइंडिंग जो है दूसरे लाइग बाइंडिंग की जो है एफिनिटी को घटा देगा जैसे कि इनहिबिटर के केस में या नेगेटिव इफेक्टर के केस में जब नेगेटिव इफेक्टर रेगुलेटरी साइट पर बाइंड करता है तो सबस्टेट बाइंडिंग जो है एक्टिव साइट पे जो है सबस्टेट की जो एफिनिटी है वो सॉरी एंजाइम की जो एफिनिटी है सबस्टेट के लिए वो घट जाती है पॉजिटिविटी पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी की केस में एक लाइगेंड जब एक साइट पर बाइंड करेगा तो अगली साइट की कन्फर्मेशन इस तरह से चेंज कर देता है कि फर्दर लाइगेंड बाइंडिंग बढ़ जाती है नेगेटिव के केस में जब लाइगेंड बाइंड करेगा तो फर्दर लाइगेंड बाइंडिंग की जो आपकी रेट है उसे घटा देता है वो एफिनिटी घटाता है इसमें वो एफिनिटी बढ़ाता है आप देखते हैं माइकल इसमेंटन कॉन्स्टेंट में जो सिंपल एंजाइम्स में थे वहाँ पर एक वैली होती है के एम के एम क्या है एफिनिटी दिखाती है एंजाइम की सबस्टेट के लिए अब एलोस्टेरिक एंजाइम्स में के एम नहीं होता के एम क्या था सबस्टेट कंसंट्रेशन सब्स्टेट कंसंट्रेशन एट विच जो है रिएक्शन ऑपरेट हाफ मैक्स ये मैक्स है जिस पर एंजाइम फुली सेचूरेटेड है इसका हाफ रिएक्शन वेलोसिटी जिस सबस्टेट कंसंट्रेशन पे होती है उसे हम के एम कहते हैं माइकलिस कॉन्स्टेंट एलोस्टेरिक एंजाइम्स के अंदर के एम का इक्वलेंट होता है के ज़ीरो पॉइंट फाइव वैल्यू ये के ज़ीरो पॉइंट फाइव वैल्यू जो है एंजाइम की एफिनिटी दिखाता है सबस्टेट के लिए अगर हाई के एम वैल्यू है तो सबस्टेट के लिए लो एफिनिटी है और अगर आपकी लो के एम वैल्यू है तो सब स्टेट के लिए आपकी ज़्यादा एफिनिटी लो के एम के ज़ीरो पॉइंट फाइव सॉरी के ज़ीरो पॉइंट फाइव वैल्यू कम जो है वो इस तरफ़ होगी के ज़ीरो पॉइंट फाइव वैल्यू और हाई जो है वो इस तरफ़ होगी तो अगर के ज़ीरो पॉइंट फाइव वैल्यू आपकी हाई है तो सब स्टेट के लिए एफिनिटी उसकी कम है और अगर के ज़ीरो पॉइंट फाइव वैल्यू कम है तो सब स्टेट के लिए उसकी एफिनिटी ज़्यादा है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स जो हैं वो इनक्रीज करते हैं ये हमने देखो एक हमने एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम की रिएक्शन वेलोसिटी वर्सेस अपस्टेट कंसंट्रेशन के बीच ये वाला प्लॉट है ये प्लॉट है इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर और ये प्लॉट है इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर तो एक्टिवेटर के केस में देखो तो आपकी के देखो ये है के ज़ीरो पॉइंट फाइव इन केस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर एक्टिवेटर के प्रेजेंस में ये जो वैल्यू है के ज़ीरो पॉइंट फाइव जो है ये आपकी कम हो गई यानी कि सबस्टेट के लिए एफिनिटी बढ़ा दी एक्टिवेटर ने इनहिबिटर के केस में के ज़ीरो पॉइंट फाइव वैल्यू बढ़ गई यानी कि सबस्टेट के लिए एफिनिटी घटा दी वी मैक्स अगर आप देखो एलोस्टेरिक केस में वी मैक्स भी आपका बढ़ा है इन केस ऑफ इनहिबिटर वी मैक्स आपका जो है वो घट गया तो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर वी मैक्स बढ़ाते हैं के ज़ीरो पॉइंट वैल्यू पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव वैल्यू घटाते हैं यानी कि सब के लिए एफिनिटी बढ़ाते हैं इनहिबिटर्स क्या है वी मैक्स को घटाते हैं और के ज़ीरो पॉइंट फाइव वैल्यू बढ़ाते हैं यानी कि सब के लिए एफिनिटी उसकी घटाते हैं एग्जाम्पल देखते हैं पी एफ़ के फोस्फो जो है ये एलोस्टेरिक एंजाइम है और ये ग्लाइकोलाइसिस में कमिटेड स्टेप जो है वो कैटालाइज करता है जिस स्टेप में फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट से हम फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फॉस्फेट बनाते हैं इस पी एफ के को हम पी एफ़ के वन बोलते हैं ये जो फ्रक्टो पी एफ़ के है ये चार सब यूनिट से मिलके बनाता है ए टी पी जो है ये इसका इन्हीबिटर एलोस्टेरिक इन्हीटर है और फ्रक्टोज टू सिक्स बिस्फोसपेट जो है ये इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है अब सेल के अंदर जब एटीपी का लेवल बढ़ जाता है तो एटीपी एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करती है एंजाइम के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आता है और जो है एंजाइम की सब्स्टेट के लिए एफिनिटी सब्स्टेट इसमें क्या है फ्रक्टोसिक्सपोस्पेट और ए और एटीपी उनके लिए एफिनिटी घट जाती है तो एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी यहाँ पर जो है एलोस्टेरिक साइट पर भी ए ही बाइंड कर रहा है और आपका सब्स्टेट भी इसका ए है तो एक्टिव साइट पर ही भी ए टी कर रहा है इस इस फिनोमिनन को हम होमोट्रॉपिक कॉपरेटिविटी कहते हैं जिस जहाँ पर सबस्टेट और एलोस्टे एक्टिवेटर दोनों एक ही मॉलिक्यूल है तो यहाँ हम डाई इधर डायग्राम में देखिए ये वाला आपका फ्रक्टो फ्रक्टोसिक्स फॉसपेट यानी कि सबस्ट्रेट की, की कंसनट्रेशन है और यहाँ एंजाइम की एक्टिविटी है ये आपका ग्राफ है विद वन मिलीमोलर ए टी यहाँ पर कोई ए नहीं है जिस तरह जैसे जैसे ए का अमाउंट बढ़ता जा रहा है ये जो आपकी के ज़ीरो पॉइंट फोर वैल्यू है वो आपकी बढ़ती जा रही है यानी कि सबस्टेट के लिए एफिनिटी उसकी घटती जा रही है ए टी यहाँ पर एक्टिवेटर का सॉरी एक्टिवेट इनहिबिटर का, का काम कर रहा है अब देखते हैं दो एक्टिवेटर का रोल मेमिलियन लीवर के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो ग्लूकोज जैसे बढ़ेगा तो फ्रोक्टोज सिक्स फॉसफेट का लेवल भी बढ़ेगा क्योंकि ग्लूकोज से हम बनाते हैं ग्लूकोज सिक्स फॉसफेट और ग्लूकोज सिक्स फॉसफेट से हम बनाते हैं फ्रक्टोज सिक्स फॉसफेट अब लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है पी एफ़ के टू फ्रोसफो फ्रक्टोकाइनिस टू पी एफ़ के टू वो क्या काम करता है फ्रक्टोज सिक्स पॉस्फेट से फ्रक्टोस टू सिक्सबिस्पॉसफेट बनाता है तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो फ्रेक्टोसिक टू सिक्स बिस्फोस्फेट का लेवल भी बढ़ जाता है ये जो है ये पी एफ़ के वन का एक्टिवेटर है जब इसका अमाउंट बढ़ता है तो ये इसके एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करता है सबस्ट्रेट के लिए इसकी एफिनिटी बढ़ा देता है तो एंजाइम की जो है एक्टिविटी बढ़ गई यहाँ पर एलोस्टेरिक इफेक्टर मॉलिक्यूल अलग है और आपका सबस्टेट अलग है जैसे फ्रक्टोसिक्स पॉस्पेट प्लस ए इस बाइंडिंग ने इफेक्ट करा बाइंडिंग ऑफ सबस्टेट ऑन पी एफ़ के यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल अलग हैं तो इसे हम हीटेरोट्रॉफिक कॉपरेटिविटी कहेंगे अब सिग्माइडल कर्व जो है पी का देखिए यहाँ पर एलोस्टेरिक एंजाइम है तो ये सिगमॉयडल कर्व आपका फॉलो करेगा यहाँ पर हमने सबस्टेट दिखाया है फ्रक्टो सिक्स पॉस्पेट और ये पी की एक्टिविटी है जो पी एफ के वन है इन प्रेजेंस ऑफ प्राप्टोस टू सिक्स फॉसफेट की प्रेजेंस में जो है कर्व हाइपरबोलिक होता चला जाता है ये जो सिगमेंडल कर्व है ये हाइपरबोलिक होता चला जाएगा तो यहाँ पर है के ज़ीरो पॉइंट फाइव यहाँ देखिए के ज़ीरो पॉइंट फाइव कितनी घट गई यानी कि सबस्टेट के लिए एफिनिटी कितनी बढ़ गई इन प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज टू सिक्स बिस्पॉसफेट यानी फ्रक्टोज टू सिक्स बिस्पोसफेट का लेवल जब ज़्यादा होगा तो ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम की एक्टिविटी आप बढ़ेगी ग्लाइकोलाइसिस का रेट बढ़ जाएगा तो जब ग्लूकोज एबेंडेंट हो तब ग्लाइकोलाइसिस का रेट जो है वो हाई होना चाहिए दिस इज ऑल अबाउट एलोस्टेरिक एंजाइम थैंक यू